जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ शनि मंदिर के पास माँ जालपा स्वयं सहायता समूह की सभी लेडीजें साफ सफाई करते हुए। तो आज की जो हमारे ग्रुप की मीटिंग हुई है वो हुई है शनि देव के मंदिर, और यहाँ पीपल का पेड़ भी है। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है लेकिन ऊपर से पीपल का पेड़ है, इसकी छाया में बैठे थे। हमने अपने बचत वगैरह जमा कर ली है और मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। सभी लेडीजों ने अपना अपना परिचय दिया है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो ये क्लिप थोड़ी सी है ना आगे पीछे होगी। ये देखिए, ये सभी महिलाएँ झाड़ू लगा रही है, ठीक है। तो ये हर महीने की 10 तारीख का काम होता है साफ सफाई करने का। तो ये देखिए सभी महिलाएं, कुछ महिला नहीं आई, दो तीन महिला नहीं पहुंची है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। बाकी सभी महिलाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं और बचत वगैरह सारी जमा करवा दी है। और थोड़ा सा मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, और थोड़ा सा झाड़ू पोछा मुझे भी लगाना है या तो फिर ना मैं रह जाती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, तो थोड़ा सा झाड़ू मैं भी लगा लेती हूँ। और चलो फटाफट से थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये माँ जालपा स्वयं सहायता समूह के ग्रुप की सेक्रेटरी जो बड़े झाड़ू से सफाई कर रही है, और ये सारे सदस्य हैं। सबसे पीछे अनीता देवी जी है, उससे आगे मीना देवी जी हैं, ये आशा देवी जी हैं, और ये बिंद्रा देवी जी हैं, और ये श्यामा देवी जी है। सभी महिलाएं झाड़ू लगा रही है, और थोड़ा सा मैं आपको शनि देव के दर्शन भी करवा देती हूँ क्योंकि कई दिनों के बाद यहाँ आना हुआ है। तो हमें साफ सफाई भी करनी थी और मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत भी कर देती हूँ। और ये है शनि मंदिर, ठीक है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है। पहले से जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने यहाँ से पहली वीडियो डाली हुई थी अपनी शनि मंदिर के यहाँ से, और फिर बीच बीच में भी मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ से डाली हुई थी। तो ये है शनि मंदिर, ठीक है। और यहाँ देखो साफ सफाई कर रही हैं सारी लेडीजें, ठीक है, जो हमें हर महीने की 10 तारीख को करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से सभी देव देव परिचय भी देव, बोल बोल सुनीता बोल। सभी मेरे को मेरा नमस्कार, मेरा नाम तुलसी देवी है, मेरे ग्रुप का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता समूह है जिसके मैं प्रधान हूँ, मेरे वीओ का नाम नई दिशा महिला ग्राम संगठन है जिसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। आशुषी रोपराज चादरू सभी दीदी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम तुलसी देवी है, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे वीओ ग्रुप का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता समूह है जिसकी मैं प्रधान हूँ, मेरे वीओ का नाम नई दिशा महिला ग्राम संगठन है जिसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ, धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे ग्रुप का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता समूह है और जिसकी मैं सदस्य हूँ। यहाँ पर आई हुई सभी दीदियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सुनीता गौतम है, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे ग्रुप का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता समूह है जिसकी मैं सचिव हूँ, और मेरे वीओ का नाम नई दिशा महिला ग्राम संगठन मलोखर है जिसकी मैं सदस्य हूँ, धन्यवाद। आई हुई सभी दीदियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम आशा देवी है, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे ग्रुप का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता समूह है जिसकी मैं सदस्य हूँ, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मीना देवी है, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे समूह का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता है जिसकी मैं सदस्य हूँ, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बिंद्रा देवी है, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे ग्रुप का नाम माँ जालपा स्वयं सहायता समूह जिसकी मैं सदस्य हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद दीदियों को मेरा नमस्कार, मैं श्यामा देवी हूँ, मैं ग्राम पंचायत मलोखर से हूँ, मेरे ग्रुप का नाम जालपा है
जिसकी मैं सदस्य हूँ। धन्यवाद। ये थी हमारे ग्राम पंचायत और माँ जालपा स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं ने अपना अपना परिचय दिया है, जिस तरह से भी आए, क्योंकि ग्राम की जो महिला होती है ना, वो थोड़ी झिझक करती है बोलने में, लेकिन सभी ने कोशिश की है कि हम अपना परिचय दें, तो कभी टाइम नहीं लगता, कभी सभी महिलाएं इकट्ठी नहीं होती, कुछ इस तरह से परिचय रहता है। ग्राम की जो महिला होती है ना, इतनी एक्टिव नहीं होती है, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि हम थोड़ा एक्टिव हों, और जब बाहर नहीं निकलेंगे ना तो एक्टिव भी कैसे होंगे। तो अपना जो है इन्होंने परिचय दिया है, और चलो अगली जो भी वीडियो होगा हम इसकी के साथ शेयर कर देंगे। और ये हमारे यही नज़दीक के टूरिस्ट ही है, तो इस तरह से होती है हमारे ग्राम की महिला जिन्होंने अपना परिचय दिया है। तो गांव की जो महिला होती है उतनी एक्टिव नहीं होती है, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि हम थोड़ा एक्टिव हों बोलने में और हर एक बात में। तो सभी ने कोशिश की है कि हम अपना अपना परिचय दें, और इनसे ये जारी रखा जाएगा कि ये अपना परिचय बिल्कुल मतलब एक्टिव होकर दें, ठीक है। तो चलो अगला जो भी क्लिप होगी इसी के साथ शेयर कर दी जाएगी। और ये हमारी जो अच्छा अब आज हम ना पहली बार प्रार्थना गा रहे हैं, पहले ऐसे कोशिश करेंगे, और फिर अगर अच्छी रही तो आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। आपका नाम दयानिधि है, तो दया भी करोगे कभी ना कभी, यदि आपका नाम दयामिनी है तो दया भी करोगे कभी ना कभी। मंदिर ना सही, मस्जिद ना सही, मंजिल में मिलोगे कभी ना कभी। मंदिर ना सही, मस्जिद ना सही, मंजिल में मिलोगे कभी ना कभी। यदि आपका नाम दयामिनी है तो दया भी करोगे कभी ना कभी। यदि आपका नाम दयामिनी है तो दया भी करोगे कभी ना कभी। तन में ना सही, मन में ना सही, हृदय में मिलोगे कभी ना कभी। तन में ना सही, मन में ना सही, हृदय में मिलोगे कभी ना कभी। यदि आपका नाम दयानिधि है तो दया भी करोगे कभी ना कभी। यदि आपका नाम दयानिधि है तो दया भी करोगे कभी ना कभी। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना कभी। हिम्मत अपनी न हारेंगे, दया दृष्टि करोगे कभी न कभी। यदि आपका नाम दयानिधि है तो दया भी करोगे कभी न कभी। यदि आपका नाम दयानिधि है तो दया भी करोगे कभी न कभी। बस यही वेद हमारा तुम में, हम नारी है तुम नारायण। बस यही वेद हमारा तुम में, हम नारी है तुम नारायण। अब सौंप दिया है जीवन तुमको, संसार तुम्हारे सौंप दिया जीवन तुमको, संसार तुम्हारे हाथों में। यदि आप
का नाम दया निधि है, तो दया भी करोगे कभी न कभी यदि आपका नाम।